बुलंदशहर में एक शिव मंदिर में 18 साल के पुरोहित को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। शनिवार रात पुरोहित खेत पर गए हुए थे और वहां पर बताया जा रहा है कि खेत की रखवाली करने वाले युवक ने लाठी डंडों से पुरोहित को जमकर पीटा। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। युवक को सिर में और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसके चलते उसे मेरठ मेडिकल रेफर कर दिया गया है। मंदिर में दादा और पोता पुरोहित का काम करते हैं। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर में एक शिव मंदिर में 18 साल के पुरोहित को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। शनिवार रात पुरोहित खेत पर गए हुए थे और वहां पर बताया जा रहा है कि खेत की रखवाली करने वाले युवक ने लाठी डंडों से पुरोहित को जमकर पीटा। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। युवक को सिर में और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसके चलते उसे मेरठ मेडिकल रेफर कर दिया गया है। मंदिर में दादा और पोता पुरोहित का काम करते हैं। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर में एक शिव मंदिर में 18 साल के पुरोहित को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। शनिवार रात पुरोहित खेत पर गए हुए थे और वहां पर बताया जा रहा है कि खेत की रखवाली करने वाले युवक ने लाठी डंडों से पुरोहित को जमकर पीटा। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। युवक को सिर में और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसके चलते उसे मेरठ मेडिकल रेफर कर दिया गया है। मंदिर में दादा और पोता पुरोहित का काम करते हैं। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर में एक शिव मंदिर में 18 साल के पुरोहित को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। शनिवार रात पुरोहित खेत पर गए हुए थे और वहां पर बताया जा रहा है कि खेत की रखवाली करने वाले युवक ने लाठी डंडों से पुरोहित को जमकर पीटा। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। युवक को सिर में और शरीर पर गंभीर चोटें आई हैं, जिसके चलते उसे मेरठ मेडिकल रेफर कर दिया गया है। मंदिर में दादा और पोता पुरोहित का काम करते हैं। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बेटा मास्क लगाऊंगा क्यों?